सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजवान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हमारे इस टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि आप अपने यूट्यूब वीडियो, कोई भी यूट्यूब वीडियो के एंड स्क्रीन में अपना वीडियो और चैनल को कैसे लगाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आपको जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद सिंपली आपको अपने सर्च बार पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको राइट आपको सिंपली आपको करना है YouTube स्टूडियो साइन इन पे राइट करने के बाद सिंपली इस पर आपको चल जाना होगा। इस पर जाने के बाद आपको थोड़ी देर आपको वेट करना होगा और वेट करने के बाद सिंपली आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद फ्रेंड सिंपली अब आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं आपको जूम आपको करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऑप्शन है पब्लिश वीडियो के नीचे जो गो टू वीडियोज, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर सिंपली क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आज तक आपने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसका सारा लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो सपोज फ्रेंड्स यहाँ से कोई एक वीडियो ले लेना है जिसके एंड स्क्रीन पे आप लगाना चाहते हैं। तो सपोज फ्रेंड्स यहाँ से मैं यहाँ से वीडियो चूज़ करता हूँ। तो सपोज फ्रेंड्स इस पे मैं जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे पांच आपको ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, एडिट का, एनालाइज का, कमेंट का, यूट्यूब का और थ्री डॉट का। तो सिंपली एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद सिंपली आपको साइड में कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एंड स्क्रीन, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस, न्यू जो इंटरफेस आपको खुल के आपको आ जाएगा। न्यू इंटरफेस खुल के आने के बाद सिंपली फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह का चीज़ देखने के बाद सिंपली अब यहाँ पे जो है आप अपने चैनल को और कोई भी वीडियो को भी आप लगा सकते हैं। तो ये लगाने के लिए सिंपली यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली प्लस का जो आइकॉन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने कोई भी वीडियो को भी लगा सकते हैं या प्लेलिस्ट को भी लगा सकते हैं या सब्सक्राइब को भी या चैनल को भी। तो सिंपली यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक आपको करके दिखा देता हूँ। वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से आप कोई भी एक वीडियो को इस पे आप लगा सकते हैं और यहाँ से इसको आप थोड़ा एडजस्ट भी कहीं भी आप कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें वीडियो लगाने के सिंपली यहाँ पे चूज स्पेसिफिक वीडियो पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपका जितना भी आपका वीडियो का लिस्ट है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो सपोज फ्रेंड्स यहाँ से मैं कोई भी अपने एक वीडियो को मैं ले लेता हूँ। तो सपोज फ्रेंड्स यहाँ से मैं अपने एक ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे ऐड में कर देता हूँ। यह ऐड करने के बाद फ्रेंड्स पहला जो वीडियो है वो मेरा यहाँ पे ऐड यहाँ पे हो चुका है। और सिंपली फिर से अब आपको दूसरा जो लगाना है तो सिंपली फिर से आपको प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होगा और फिर से आपको वीडियो पे आपको जाके यहाँ से फिर से चूज स्पेसिफिक वीडियो पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से आपको कोई एक वीडियो को आपको चूज आपको कर लेना है। तो सपोर्ट फ्रेंड्स यहाँ से मैं अपने की स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग का वीडियो का इस पर मैं क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मेरे जो वीडियो का है वो भी यहाँ पे लग चुका है दोनों वीडियो। अब मैं अपने चैनल का जो सब्सक्राइब का जो बटन है वो भी मैं लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स फिर से आपको ये प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना होगा और सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक आपको करके और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे चैनल का जो है वो सर्कल तरह में आ चुका है। और यहाँ से सिंपली से आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी आप कर सकते हैं, आप जहाँ चाह सकते हैं वहाँ पे। फ्रेंड जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो दोनों जो वीडियो आ चुके हैं और ये मेरे चैनल का लोगो भी यहाँ आ चुका है। तो इसको फ्रेंड्स कहीं पे भी एडजस्ट भी आप कर सकते हैं। सपोज फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट में यहाँ पे कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब अगर आप चाहते हैं इसको सेव करना है तो सिंपली से यहाँ पे ऊपर में जो ऑप्शन है डिस्कार्ड चेंज के बगल में सेव का, इस पर सिंपली आपको क्लिक आपको कर देना है। इस पर क्लिक करने में फ्रेंड्स आपका जो एंड स्क्रीन में जो है वो वीडियो के वो लग चुका है। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने यूट्यूब पे और वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ ये लगा है कि नहीं। तो सिंपली मैं आपको अपने यूट्यूब में ले जाता हूँ और वो वीडियो को सपोज मैं यहाँ से चूज़ मैं कर लेता हूँ। करने के फ्रेंड्स जैसे ही देख सकते हैं मैं अपने लास्ट में सीधे आपको ले जाता हूँ यहाँ पे सिंपली मैं अपने लास्ट में आपको ले जाता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सब फ्रेंड जैसे ही देख सकते हैं ये जो आईपीएल जो वीडियो के लास्ट एंड में मैंने जो लगाया था वो यहाँ पे लग चुका है।
तो फ्रेंड्स देख जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स इसी इजी तरीके से आप अपने फ़ोन में YouTube कोई भी YouTube वीडियो के एंड स्क्रीन में अपना जो है वो चैनल का वीडियो और चैनल का लोगो भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपका अपना टेक्निकल राजा अमन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।